हेलो दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, और ऐसे ही रिलेटेड और भी कुछ बातें बताऊंगा कि क्या क्यों 100% नहीं ठीक हो सकता और किसका किसका ठीक हो सकता है। इसके लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया है, सर बताइए बताइए, क्योंकि मैं रिप्लाई दे देता हूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब तुम्हारा नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों हुआ। ये बहुत लोगों ने रिप्लाई मांगा मुझसे, प्लीज एक बनाओ वीडियो। तो मैं थोड़ा बहुत तो इसके बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में कुछ बताया है, पर वैसे लोगों का मन नहीं भरा, बोल इसके बारे में डिटेल में बताओ और तुम्हारा क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसके भी बारे में मैंने बताया है, पर लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो सोचा बना दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं भगवान के वाले, ठीक है, भगवानवादी हैं, भगवान के औलाद हैं, ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान बांटते फिर रहे। तेरे घर वाले ने तेरे को सही समझाया था, तूने गया क्यों, तुझे नहीं जाना चाहिए, करा लिया है, अभी तो ठीक है, बहुत मजे में है तू, बाद में तेरे को दिखना भी बंद हो जाएगा, ये होगा वो हो जाएगा, लोगों को भी फंसा रहा है ऐसे ऐसे। तो मैंने बताया था कि इसमें दिखने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइड से मसल का सवाल है, इसमें दिखाई हमको लेंस से देता है। तो जाके पहले बोलो, जाके बायोलॉजी पढ़े, कैसे लोग देखते हैं, कैसे क्या होता है, उसके बाद किसी को ज्ञान दे। और भगवान वाले हैं जो बोलते हैं, जो भगवान देता है, अल्लाह देता है, उससे में ही खुश रहना चाहिए। तो हम भगवान से खुश नहीं है, ठीक है, हमको जो किया इंसान ने किया, ठीक है, तो हम भगवान के भरोसे नहीं रहते कुछ भी, ठीक है। पहले बुद्धि ज्ञान नहीं था तो जो बोले भगवान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, घर वाले सिखाते थे, वैसा कुछ नहीं है, जो किया है इंसान ने किया है, भगवान ने यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और जो है आप देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे, वो सब प्रकृति है, इसके बारे में आप पढ़िए। और जो किया है माता पिता ने किया है, इसलिए माता पिता को ही आदर कीजिए, भगवान से कुछ होने वाला नहीं है, घर में उसका इज्जत नहीं करेंगे और पत्थर को पूजने चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह देता है, अच्छा देता है, मुझे अल्लाह ने नहीं किया और नहीं भगवान ने मेरा ठीक किया, मेरा इंसान ने किया। अगर अल्लाह को मेरे बारे में सोचना होता था तो शुरू से ही मुझे ऐसे ही पैदा कर दे, ठीक है, कि तू सही पैदा हो जा, ऐसे बना के नहीं भेजते, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन है आदमी ही करेगा, भगवान के आगे जाके हाथ फैलाओगे तो भगवान आपका सोल्यूशन नहीं निकालेगा, वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और जिसको भगवान पे ज्यादा भरोसा है वो प्रशांत बोध, प्रशांत बोध एक यूट्यूब चैनल है, जाइए उस पर और विजिट कीजिए, देखिए वो क्या क्या बातें बताता है, ठीक है। तो हम उससे प्रभावित होकर नहीं बोल रहे हैं, हम अपने आप बोल रहे हैं, ठीक है, और ये बात है। तो ये सब बोल रहे हैं और बहुत लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, कुछ गाली भी दिए, तो ऐसा कुछ मेरे को प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं और बोल देता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं तेरी आंखें छोटी थोड़ी बहुत दिखाई देती है, तो हाँ, मेरा जो राइट वाला आई है उसमें ही मैंने ऑपरेशन, ये वाला मैं हमेशा इससे देखता था, ठीक है, और ये वाला क्रॉस हो जाता था। तो ये है फैला के आंख पढ़ना, कुछ को देखना जो इसी पर असर पड़ता था, इस पर कुछ नहीं, ठीक है। तो 20 साल से मैंने इसी से केवल देखा और इससे मैंने नहीं देखा, ये साइड में था, इससे कोई मतलब नहीं था, हाँ लेकिन इसे दिखाई जरूर, इसको हम बंद कर ले तो इसे हमको दिखाई देगा, अभी भी देता है, कुछ इसमें कमियां नहीं है, ठीक है, इसमें दोनों ठीक है। तो अब जब ठीक हो गया है तो इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि इसीलिए अब इस पर थोड़ा बहुत दबाव डालते हैं तो बराबर में आ जाते हैं। हल्का से इसमें आंख का सवाल ये नहीं है, ये हड्डी का यह सवाल, ये जो है एक पास है, ये भी पास थी, इस पर जोर डालते थे, थोड़ा फैल गया, ये थोड़ा छोटा रह गया, तो ऐसे तो नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। और जो हमारे बचपन से दोस्त है वो बोलते हैं तेरा अभी भी है, अभी भी है, तो वो जो बचपन से देखेगा उसको लगेगा ही कि अभी भी है। मेरे जितना क्लासमेट दोस्त है और लड़कियां जो भी है वो भी बोलती है कि हमको लगता है ना कि अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ है, मैं खुश हूं, मेरा अच्छा हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है, मैं ये लेके खुश हूं। तो जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितनी भी ये मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सभी में बताया है, लेकिन आप लोगों को संतुष्ट नहीं हो रहा है और आप लोग चाहते हैं कि किसी भी वीडियो को मैं डिटेल में बना दूं,
तो आप ही के कहने पे, आप ही के कमेंट पे मैं बनाता हूँ। कितने लोग बोलते हैं अरे भाई एक ही चीज कितनी बार बताएगा, तो लोग नहीं वीडियो देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी में चाहते हैं देखना, तो मुझे बनाना पड़ रहा है। और जितने भी मैंने लोगों को वीडियो में बताया, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिला, ठीक है, इसके लिए शुक्रिया बोलते हैं। तो चलिए ये बात है। और कुछ लोगों में ये है कि कितना भी पैसा खर्चा हो जाए, जिनके पास पैसा है, मेरा बस ठीक हो जाना चाहिए, बोलते हैं कि इतने में हो जाएगा, बोलते हैं अरे मैं 2 लाख खर्चे करने को तैयार हूँ, बस हो जाए। तो जानिए, लोगों को फीलिंग को समझिए, घर वाले ये फीलिंग नहीं समझते। और दोस्त मैं ठीक भी करा लियो तो कितना दोस्त बोलते हैं कि पहले तो भी ठीक था, इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन मजे भी लेते थे वही जो इस समय सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े आदमी हैं, उन लोग को भी शर्म, हाँ ये भी एक बात है। अबे उसके पापा की तो कंपनी है, उसने साले तू कराया ही नहीं, तेरे पास तो पैसे है नहीं, तू क्यों कराएगा। मेरे घर वाले रिश्तेदार बोले जब मैं गया था पहली बार गुड़गांव, ठीक है। तो लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और आप जाइए। और अगर कभी कभार भी आपका होता है वो भी जाइए, वो हल्का सा सर्जरी करेगा और जल्दी कर देगा। और अगर पूरा करना है, अगर आपका ज्यादा है, उसमें टाइम लेगा, क्योंकि एक लड़की है उसने, उसका कभी कभार हो जाता था, और ऐसे तो सीधा दिखाई देता था लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता था इस तरह तिरछी करने पे, तो उसका कराई, सक्सेसफुल हो गया, अच्छा हुआ। और होम्योपैथिक वाला यार ऊपर नीचे बात कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल ले दीजिए, उसके बाद हम कन्फर्म इस पर वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे। और लोग बोल रहे हैं कि मेरे को रहा नहीं जा रहा, तो लॉकडाउन में कोविड टेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं, और थोड़ा भाड़ा ज्यादा लगेगा। और मेरे हॉस्पिटल के बारे में पूछते थे, इस पर 2 वीडियो बना दिया है, आप देख लें। और इसका नाम है SGT हॉस्पिटल गुड़गांव, उस हॉस्पिटल में सभी लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि आप किसी में भी जाइए, अच्छा रहेगा, अच्छे डॉक्टर के पास। तो मेरे वाले में तो एक फायदा है, पहली बात सस्ता, दूसरी बात वहां आपको 4-5 दिन ख्याल रखेंगे, जो आपको घर पे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, तो घर वालों से क्या क्या बोलोगे, वो डॉक्टर थोड़ी है, ये तो पहले करने ही नहीं दे रहे थे, तो आपका तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो, और वहां पे रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको बताएगा, नर्स बताएगी, जाके पूछ के आएगी, या डॉक्टर भी आ जाएगा वहां पे। एक चीज है, 24 घंटे बिजली फैसिलिटी है हर चीज की, और आपको नर्स आके दवाई भी खिला देगी, दे देगी, वो आंख में भी डाल देगी, बदल के देखेंगे, तो ये फायदा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सरकारी में दलाल से बात हो गई, ये हो गई, तो दलाल के चक्कर में हलाल मत होइए, क्योंकि दलाल फंसा देंगे। जहां तक आप सोच रहे हैं कि मुझे सरकारी में जाके दलाल से बात करना है, दिल्ली का ये हॉस्पिटल है, गुड़गांव का वो हॉस्पिटल है, जहां तक आप सोच रहे हैं वहां मैं सब करके आ चुका हूँ, बहुत सारा हॉस्पिटल घुमा, सरकारी प्राइवेट ये वो, बहुत डॉक्टरों से बात की, व्हाट्सएप फेसबुक बात करना, कॉल से मैसेज करके व्हाट्सएप से, ये सब मैंने कर लिया है। मैं आपको कभी गलत सुझाव नहीं दूंगा, आप मेरे वाला में अगर जाने लायक है SGT में तो वहीं पे जाइए। और वो डॉक्टर साहब है, ये देखिए कितने बूढ़े हैं, इनके हम व्हाट्सएप से एक बार सेव किया था इनका फोटो, तो वही है, गूगल में मिला, तो ये देख लीजिए। और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत अच्छे हैं। पहली बात आपको सस्ता मिलेगा, फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ये बात है वहां पे। तो आप अगर वहीं जाना चाहते हैं तो वहीं जाइए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राइवेट सरकारी बहुत मैंने इधर उधर की है, प्रेमधन गुप्ता कैसा है, वो कैसा है, ये प्रेमधन भी अपने जगह पे अच्छा है, सब अपने जगह पे अच्छा है, लेकिन बात ही फैसिलिटी की और पैसे की। तो सभी के पास उतना पैसा नहीं है, तो सब लोग पे नहीं कर पाएंगे, तो सस्ते में वहीं जाइए, आपको रहने की भी सुविधा मिलेगी, खाने की भी सुविधा मिलेगी, आपके जो साथ आया है उसको भी रहने की सुविधा मिलेगी। मेरे को छोड़ो, मेरे गांव में 10 आदमी है, तो बताया तो कोई कोई एकदम रेडी है, कोई कोई बोला छोड़ यार क्या करे, तो उसका उम्र अभी कम है, वो उतना कुछ समझ नहीं पा रहा है कि जिंदगी में क्या है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था, जब समझ में आया तो हमने कराया, ठीक है। और मेरा साथ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका साथ मिल जाए यही बस है। और
इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कितना लोग तो बोलते हैं कि कभी कभी मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो इनका मुंह देख के वो, एक देखिए औरत ने की थी कमेंट कि बच्चे का मुंह देख के रह जाता हूँ, भैया मदद कीजिए, जाने लायक नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत औरतें हैं, लड़कियां बोलती है मेरी शादी करनी है, ये है, लड़के बोलते हैं मेरी एंगेजमेंट हो गई है, शादी करनी है लड़की। तो मैंने जब अपना करा के आया ऑपरेशन, तो कोई नहीं बोला कि चल तू लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा बन जाएगा, तुझे शर्म नहीं लगेगी, पहले लगती थी, जो कमियां है दूर हो गई। सभी ने ये कहा कि चल तेरी शादी होगी तो तेरे को दहेज मिलेगी, ठीक है, अच्छी लड़की मिलेगी। तो इससे यही साबित होता है कि आपका शादी होगा तो आपके मन मुताबिक लड़की नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी कहां से, लड़कियों की भी इच्छा होती है कि मेरा भी पति हैंडसम हो, अच्छा लगे, चार आदमी में जाए तो हमको भी प्राउड फील हो। तो आप जाएंगे तिरछी आंख रहेगी तो आप खुद शर्म के मारे नहीं बोलेंगे, तो कहां से होगी। तो वो भी लड़कियां कुछ देख के ही आपसे शादी करेगी, तो ये भी कमी है। अच्छी लड़की तो शादी करेगी ही नहीं, पक्का बात है, करेगी भी तो आपके पास अगर पैसा ज्यादा है, अच्छी नौकरी है, गाड़ी बंगला ये सब है, तब भी करेगी अच्छी लड़की। तो यही बात है, तो अगर आप अच्छे रहेंगे तो भी अच्छी लड़की मिलेगी, लड़की भी अच्छी नहीं मिलेगी तो अच्छा लड़का से शादी नहीं होगा, अगर उसकी आंख तिरछी उरछी है तो। अगर लड़की में कमी है तो लड़के में भी कमी होगा, जरूरी नहीं कि पैसे कम हो, पैसे भी कम रहेगा, घर भी अच्छा नहीं रहेगा, कमाने वाला भी नहीं रहेगा। और ये भी हो सकता है कि उसका दोबारा शादी हो, जैसे एक पत्नी मर गई या छोड़कर भाग गई, तो ऐसे कुछ हो सकता है आपके साथ लड़कियों में। और किसका शादी हो गया है फिर भी भैया मदद करो, सभी भैया ही बोलती है, रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि तेरे को सब भैया बोले, बोलने दो भाई, प्यार से कुछ भी बोले लेकिन बोले। और लोग मैसेज करते हैं हेल्प कर दे हेल्प कर दे, तो मैं सारी वीडियो का लिंक दे देता हूँ, उससे हेल्प ले लीजिए, अब इससे ज्यादा हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बात रही बात करने की, सभी को यही लगा है कि एक बार में शॉर्टकट बात कर लिए हो गया, इसमें कुछ यूनिक आपको मिलेगा, इसमें अच्छा से समझाया है मैंने हर वीडियो में। तो अब सोच रहा हूँ यार नहीं बनाए वीडियो इस पर, तो अच्छा है आपको दोनों से दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है तभी तो बना रहे हैं। और आपका क्या विजन ठीक हो गया है, विजन तो शुरू में डबल विजन आएगा आपको, ठीक है, और बाद में भी रहेगा। हमारा लगभग आप, मैंने सितंबर में कराया था, नहीं अगस्त में, 23 अगस्त 2019, तो देख लीजिए कितना दिन हो गया। मेरा भी अभी विजन अच्छा से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा बचपन से एक ही से आदत था देखने का, दोनों हो गया है, तो मैं बोला धुंधला दिखाई देता था, और आज भी देता है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, आज भी देता है, अगर एक से देखेंगे तो साफ दिखेगा, दोनों से दिखेंगे तो धुंधला, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, अब बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे ये कम होगा। अगर मेरा कम एज होता तो ये जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन ये जल्दी ठीक हुआ नहीं, ज्यादा एज है तो अभी भी धुंधला दिखाई देता है दोनों से। बोलोगे पढ़ते कैसे हो, तो उसी तरह एक से थोड़ा बहुत इधर उधर होके पढ़ा जाता, मतलब सब पढ़ लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होता है। और बात रही इसकी, तो यही है, अगर किसका नहीं होगा ये भी मैंने बताया, तो किसका नहीं होगा, तो जिसका बाद में हो गया, अचानक बॉल से लग गया, एक लड़के को बॉल से लगने से हो गई, बुखार हो गया तो हो गया, लेकिन बाद में अगर हुआ है तो आपका ये बैलेंस बन सकता है। जिसका कभी कभार होता है उसका बैलेंस बन सकता है, उसको दिखाई देगा दोनों से, जिसका कभी कभार ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है तो उसका दिखाई देगा। तो इसी आदमी का जो बचपन से उसका उसका तो बहुत जैसे ज्यादा दिन लेगा, लेकिन ठीक होगा। किसी से बात देखो तो बोलोगे फायदा क्या हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो फायदा है, पहले से तो साफ तो हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ड्रॉप यूज करें, ट्रॉपिको माइड, ये एक ड्रॉप है, इससे आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप यूज करेंगे तो साफ दिखाई देगा। इसके लिए विटामिन D3 एक आता है, वो खाएंगे तो होगा, लेकिन महंगी आती है। और रिफ्रेश टीयर यूज करेंगे, इसके लिए अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है ट्रॉपिको माइड, ये है जो एकदम आपको साफ कर देगा दोनों आंख से, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन थोड़ा लगती है आंख में, और ये धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन एक तो फायदा है लोग से बात करने में, कहीं बोल खड़ा होकर बोलो ये वो कहीं जाओ ये सब, तो कम से कम
बच गए इस सबसे, फोटो खींचो। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो फोटोग्राफी का शौक ना करता हो, सभी करते हैं, हम भी बहुत अच्छे करते हैं। मुझे भी अब कैमरा लेना है, जब घूमने निकलेंगे मुझे भी टूर ट्रेवल बहुत करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं होम्योपैथिक वाला भी आगे वीडियो ला दूंगा, लेकिन लाऊंगा बस ये। अब मैं कॉमेडी वाला वीडियो डालूंगा, आप लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सोच रहा हूँ नहीं बनाए, लेकिन लोगों को कमेंट चलते एक दो बनाना पड़ जा रहा है। मैंने हर वीडियो में बोला दो तीन एक्स्ट्रा तो बना लिए बोलने के बाद भी, लेकिन अब ठीक है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में।